हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एलएलटीसी पंडवा। तो पिछले वीडियो में हम मैट्रिक्स का लेक्चर 1, जिसमें हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखे, हम लोग मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन भी देखे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है, किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, इन सब चीजों को हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में देखे हैं। अगर जो डायरेक्ट ये लेक्चर 2 देख रहे होंगे तो सबसे पहले वो लेक्चर 1 देख लेंगे, तो आपको जो ये लेक्चर 2 है ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम प्योर एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 का पार्ट 1 मैट्रिक्स चैप्टर का निचोड़ लेकर आए हैं, लाइन बाय लाइन आपको यहां हम समझाने आए हैं और लाइन बाय लाइन आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपका बोर्ड में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देर न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछले ही वीडियो के लास्ट में हम बोल दिए थे अगला बार हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेकर आएंगे और आज हम आपके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के प्रकार। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से आपका फर्स्ट जो टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। सर हम कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम सिर्फ एक होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो जब सिर्फ एक ही कॉलम हो, अ मैट्रिक्स का जब हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है तो सबसे पहले रो, इसके बाद बाई या क्रॉस, इसके बाद कॉलम। पहले रो इसके बाद कॉलम लिखते हैं, इसकी संख्या को लिखते हैं कि इसमें कितना रो कितना कॉलम है। तो आपको कॉलम मैट्रिक्स पहचानना है तो यह सी के जगह पर हमेशा क्या रहेगा? वन रहेगा। यह सी के जगह पर हमेशा क्या रहेगा? वन रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है और अगर सी के जगह पर, जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, सी के जगह पे वन है, सी के जगह पे वन है, तो समझना है कि सर यह जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए 0√3 − 1 1/2 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ये कहा है कॉलम मैट्रिक्स, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स इसका जो ऑर्डर है 1 2 3 4 4 रो, कॉलम क्या है 1, इसलिए यहाँ 1 है, है ना। तो यह हो गया कॉलम मैट्रिक्स। आई होप कॉलम मैट्रिक्स पूरा क्लियर इन जनरल, है ना। जनरल फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए, और इसको पिछले वीडियो में इसको पूरा क्लियर किए हैं, ए आई जे एलिमेंट को शो करता है, कोई भी एलिमेंट को इसका इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। और देखिए इसका ऑर्डर यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, एम क्रॉस 1, एम मतलब रो, एन मतलब कॉलम, ठीक है ना। तो 1 इज द कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप कॉलम मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स कि हमारा रो मैट्रिक्स क्या होता है, है ना। रो मैट्रिक्स को देखेंगे, देखिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जो हमारा है, रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो होगा, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, रो सिर्फ एक होगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो है, है ना। तो ये देख रहे हैं कि एग्जांपल में ये मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम देखिए 1 2 3 4, है ना। इसका मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सर? 1/n या 1 × n दिया हुआ है तो हमको समझ में आना चाहिए कि सर यह जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है। आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ में भी आ रहा है। यह जो है रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रो है, और जब एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स। सर कोई मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स पहचानना है कि क्या है, हम ऑर्डर को पकड़ेंगे, ऑर्डर को देखे तो देख रहे हैं कि एक ही कॉलम है, मतलब वह कॉलम मैट्रिक्स हो गया, एक ही रो है वह रो मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। तो हम रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स को देख लिए, ठीक है। और भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स और आगे आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा फिर भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है।
थर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है और समझना भी है हमको। स्क्वायर मैट्रिक्स माने वर्ग आयु, मैट्रिक्स का हिंदी आयु होता है वर्ग आयु। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या यदि सेम हो जाए तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। रो और कॉलम की संख्या यदि सेम हो जाए तो वह जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वेरी गुड, ठीक है। इस प्रकार दस एम क्रॉस एन इज मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था 2019 में, लिख दे रहे हैं साहब, ठीक है, 2019 में आया था और फिर इसके बाद शायद 2000 इससे रिलेटेड 22 में भी पूछा गया था, ठीक है, पिछले साल। तो कि यही था कि पहचाने के स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर हो जा रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। सर ऑर्डर सेम हो जाएगा, एम बराबर एन हो जाएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। एंड नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। तो ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कहा अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, पकड़िए कि इसमें एक रो दो रो तीन रो बाई एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो थ्री क्रॉस थ्री है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, यह थ्री क्रॉस थ्री हो गया, है ना। तो जब रो और कॉलम की संख्या कहीं पर भी सेम हो जाए तो वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बहुत सारे मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हमको सबसे पहले समझना है। तो आई होप इट्स क्लियर कि स्क्वायर मैट्रिक्स सर हम उसको बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो जाए, रो और कॉलम की संख्या सेम हो जाए तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो जाए तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, क्लियर। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं और वन ये ऐसे लिख दिए, तो सर ये वन क्रॉस वन का है, एक ही रो की कॉलम, सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स लिख दिए वन टू थ्री फोर, सर ये भी टू क्रॉस टू का है, सर दो ही रो दो ही कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आया आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपको इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए ए आई जे एम क्रॉस एम हो, मतलब रो कॉलम दोनों सेम हो जाएगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द एलिमेंट ऑफ एंट्रीज, इस तरह से जो एलिमेंट का एंट्री होगा, है ना, इज टू बी कंस्टिट्यूटेड द डायगोनल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देन द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ए इज दिस, तो कह रहा है कि डायगोनल तो यही देखिए डायगोनल होता है। तो इसमें बता रहा है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट तो देखिए 1 4 6 है डायगोनल। अभी इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी डायगोनल का बात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में जहां पर डायगोनल का बात आएगा तो ये और ये और ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जब भी हमको मैट्रिक्स में डायगोनल का बात आएगा तो सिर्फ यही मैट्रिक्स हमारे पास होंगे, क्लियर। चलिए अब आप देख भी रहे हैं कि यह एनसीईआरटी का रेशनलाइज है 23-24, मतलब नए वाला एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि पुराना एनसीईआरटी, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। आगे देखते हैं, अभी हम पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बहुत सारा मैट्रिक्स आपको हो जाता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़े जिसमें रो और कॉलम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है।
ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए। तो जब रो और कॉलम सेम हो जाएगा तब वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आगे डायगोनल, अभी हम डायगोनल एलिमेंट को विचार कर रहे थे, अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को विचार करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल होने से पहले उसको स्क्वायर होना होगा। इसका मतलब कि सर रो और कॉलम उसमें सेम हुआ है तब हम पकड़ेंगे कि वह स्क्वायर है तो डायगोनल है कि नहीं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक हम बी मैट्रिक्स लिए हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले वो स्क्वायर है, इसका मतलब रो और कॉलम का दोनों का संख्या सेम है। ठीक है, इस सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अभी हमने तुरंत पढ़ा डायगोनल एलिमेंट के बारे में कि जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल एलिमेंट होता है, तो इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो गया, नॉन डायगोनल हो गया। इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो गया, नॉन डायगोनल हो गया, है ना। दैट इज अ मैट्रिक्स बी, बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज इक्वल टू नॉट जे। इसके मीनिंग को पूरा कंप्लीट समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल में देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू सिर्फ फोर, सिर्फ फोर, तो ये भी स्क्वायर है, वन क्रॉस वन का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कहो सर कैसे डायगोनल है, तो डायगोनल इसलिए कि एक ही एलिमेंट है और हम शुरू यहीं से करते हैं वन वन टू टू थ्री थ्री। डायगोनल एलिमेंट कौन होता है, डायगोनल एलिमेंट कौन होता है, डायगोनल एलिमेंट पर विचार कीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स में आई इज इक्वल टू जे होता है, मतलब कि ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए फोर फोर, ये जहां पर भी मैट्रिक्स में होगा इसके पोजीशन को तो पता है क्योंकि ये ए वन वन है, ए वन टू है, ए टू वन है, ए टू टू, तो ए वन वन ए टू टू मतलब आई बराबर जो है वह डायगोनल एलिमेंट है। और जब आई इज इक्वल टू नॉट जे, तो जब यह इसका मतलब कि यह दोनों सेम नहीं है, वन टू है, थ्री फोर है, फोर थ्री है, मतलब सेम नहीं है, तो वह नॉन डायगोनल हो जाता है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर होना होगा, तो पहले स्क्वायर होगा। देखिए भी एक मार्मिक क्वेश्चन है कि सिर्फ एक एलिमेंट दे दिया, कहेगा कि बताओ कि स्क्वायर है कि डायगोनल है, तो ये स्क्वायर भी है सर, डायगोनल भी है सर, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल भी है। कहो कि सर दोनों ऑप्शन रहेगा तो फिर दोनों मारना होगा, अब अगर सिर्फ स्क्वायर है डायगोनल नहीं है तो फिर स्क्वायर मारेंगे, अब अगर स्क्वायर नहीं है डायगोनल है तो डायगोनल मारेंगे, और डायगोनल नहीं दिया है स्क्वायर दिया है तो फिर स्क्वायर मार लो, क्योंकि ये दोनों है भाई। देखिए ये बी मैट्रिक्स पर विचार कीजिए, तो ये सर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के अलावा देख रहे हैं कि सब एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां इस पर विचार कीजिए, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो है, इसका मतलब कि यह मैट्रिक्स डायगोनल है। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी आई होप समझ में आया होगा कि कोई मैट्रिक्स में अगर हमको डायगोनल मैट्रिक्स चूज करना है, किसी तरह का कोई मैट्रिक्स है और हमको पकड़ना है कि यह मैट्रिक्स डायगोनल है कि नहीं है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को पकड़ने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को देखेंगे कि यह स्क्वायर है कि नहीं, और स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसका रो और कॉलम सेम होता है। अगर रो कॉलम सेम है तो सर तिरछे देख लेंगे कि तिरछे जो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल है, सब एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल है। इवन के ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है, यहां भी जीरो हो सकता था फिर भी यह डायगोनल हो सकता, बात समझ में आया, यहां भी जीरो हो सकता, ऐसा नहीं कि डायगोनल में खाली नंबर होना चाहिए, जीरो भी आएगा, लेकिन इसको छोड़कर अगर सब जीरो है, इसको छोड़कर यदि सब जीरो है तो सर डायगोनल है। ठीक है, कहो कि यहो में सब जीरो हो जाए, नहीं जीरो तब का बोलेंगे, कहो कि यहाँ जीरो, अरे काल को जीरो आएगा, अगर सब सब जीरो हो गया तो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे कि वह जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, आगे देखेंगे। क्लियर, तो डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन टू थ्री, ये वन का था, टू का था, थ्री ऑर्डर का हम अभी देखे। ठीक है, और हम विचार भी किए कि सर अगर हमको डायगोनल मैट्रिक्स को पहचानना है, डायगोनल मैट्रिक्स को समझना है,
तो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल का छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हो रहा है तो वह डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स पर विचार करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स पर विचार करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर होना है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में भी पहले मैट्रिक्स को क्या होना है, स्क्वायर होना है। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वह सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि 2 2 2 होना चाहिए, 3 3 3 होना चाहिए, 4 4 4 होना चाहिए, √3 √3 √3, माने डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर होगा। मतलब कि स्केलर होने के लिए भी पहले स्क्वायर होना जरूरी है, डायगोनल के भी कंडीशन को फुलफिल करना है, तब वो स्केलर कहलाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल बोले तो सेम है ना। That is a square matrix B, B I J n cross n, मतलब row column same, is said to be scalar matrix if B I J, I J zero होगा कब? ये इस तरह से समझाया गया है कि zero होगा कब? जब I बराबर J नहीं होगा। मतलब कि वह यह जो है diagonal, diagonal नहीं होगा। अब B I J row ये column को show कर रहा है। K होगा, K का मतलब हर जगह पर same, जब I बराबर J होगा, माने 1 1 2 2 3 3 4 4 के जगह। तो देखिए, हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स आ गया। यह जो मैट्रिक्स है, पहले बताया कि स्क्वायर है, फिर बताया कि डायगोनल है। यह मैट्रिक्स स्केलर भी है। यह मैट्रिक्स जो है स्केलर है। कैसे सर? स्केलर कैसे है? इसलिए स्केलर है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट में ए 1 1 क्या है, 3 है और एक ही है ना। तो यह जो मैट्रिक्स है स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल में याद रखना है इसको। यहां देखिए, डायगोनल एलिमेंट का छोड़कर सब जीरो है, तो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल एलिमेंट सेम है, -1 -1, इसलिए यह स्केलर मैट्रिक्स। इसलिए यह क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। इसलिए यह जो है स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए, फिर यहां देखिए, बाकी सब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 का है, यह 2 क्रॉस 2 का है, 2 बाई 2, यह 1 बाई 1 का है। हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो है, तो डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। तो जीरो है तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को होते हुए भी यह जो मैट्रिक्स स्केलर है, इसलिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है। और डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है, 0 1 2 3 0 या 2 3 4 5 ऐसे होता है, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो कहने का मतलब कि सारा एलिमेंट यदि सर सेम हो जाए, सारा एलिमेंट सर सेम हो जाए, तो जब सेम हो जाएगा तो वह मैट्रिक्स जो हमारा हो जाएगा क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, स्केलर समझ में आ गया। अब बोलो कि सर ऐसा है कि -1 है, √3 है, क्या यहां 1 1 1 नहीं हो सकता है? क्योंकि सेम लिखना है तो कोई नंबर हो सकता है। देखो, स्केलर होने के लिए 1 1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट अगर यहां पर नंबर आ जाए वो स्केलर कंडीशन में आ जाएगा। इवन कि 1 1 है तो 1 1 हमारा स्केलर भी हो सकता है, और जब 1 1 हो जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस चीज को हम आगे क्लियर करते हैं। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हम बोले कि यदि हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 1, इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स, और हम इसको डिनोट भी करते हैं किससे, आई से। अगर आई टू लिखा है इसका मतलब टू ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कहीं आई थ्री लिखा हुआ है तो वह थ्री ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर कहने का मतलब थ्री क्रॉस थ्री है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। इसका मतलब कि सर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का रोल बहुत मस्त है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम समझ गए तो बहुत सारे मैट्रिक्स को हम आराम से समझ सकते हैं। ध्यान दिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन अ डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अदर वर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे, अगर आई बराबर जे है तो वहां वन होगा और बाकी जो डिफरेंट नहीं है वहां सिर्फ जीरो जीरो होगा। ठीक है, जैसे हम एक मैट्रिक्स लिखे तो यहाँ ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तो देखो सेम सेम है, तो सेम सेम जहां आई बराबर जो है यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए वन वन होना चाहिए, बाकी इसके जगह पर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम आई टू भी कहेंगे, आई टू इसलिए कहेंगे क्योंकि टू क्रॉस टू है, टू ऑर्डर का है, टू क्रॉस टू है, टू क्रॉस टू है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहचानने का वी डिनोटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन। देखिए हम अभी बताया कि आई से इंडिकेट करेंगे एन इसलिए क्योंकि एन ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन का है ना। फिन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम इट कंटेस्ट वी सिंपली राइट एच आई, ये कहा जा रहा है कि हम आई टू आई थ्री आई फोर या अगर आई भी लिखे तो वह आइडेंटिटी ही शो होगा। ठीक है, आइडेंटिटी भी शो होगा, इस बात को क्लियरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फिर देखिए, सिर्फ एक नंबर है तो देखिए कि यहाँ वन वन, क्या डेफिनेशन क्या है कि आई बराबर जो है अगर वहां वन है तो वह आइडेंटिटी भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये वाला सर जो क्वेश्चन है ये वो सिंगल एलिमेंट वाला, स्क्वायर भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, यूनिट मैट्रिक्स माने आइडेंटिटी भी होगा। ये देखिए ई आई टू है मतलब यह टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक ही बात का ध्यान देना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए, वह सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। अगर वन के अलावा अगर यहाँ टू टू होता तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, यह फिर क्या हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता। अब अगर एक दो तीन होता तो फिर यह डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता, क्या हो जाता डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। क्लियर, अब अगर एक दो तीन के साथ साथ यहाँ यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ दो यहाँ चार हो जाता तो फिर वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता, क्योंकि फिर वह रो और कॉलम सेम है, फिर वह स्क्वायर मैट्रिक्स से कंडीशन को क्या करने लगता फॉलो करने लगता है। क्लियर, तो आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन टू थ्री, देखिए वन ऑर्डर का था, ये टू ऑर्डर का था और ये थ्री ऑर्डर का था रिस्पेक्टिवली है ना। ऑब्जर्व दैट अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहा जा है कि ये ऑब्जर्व किए हम क्या किए कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के इज इक्वल टू सिर्फ वन होना चाहिए, मतलब एस एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा तब जब, कह नहीं सकते हैं होगा तब जब व्हेन तब के बराबर वन होगा, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली इज अ स्केलर मैट्रिक्स, कह रहा है कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम क्लियरली स्केलर बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है, इस बात को याद रखना है नोट के फॉर्म में। ठीक है, कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी वह क्या हो सकता है स्केलर हो सकता है, लेकिन अगर हम इस स्केलर को कहेंगे कि यह आइडेंटिटी है तो यह बात की पुष्टि नहीं है, क्योंकि स्केलर में टू थ्री टू 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 भी हो सकता है, थ्री 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 भी हो सकता है, फोर 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 भी हो सकता है, और आइडेंटिटी के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, क्योंकि हम स्केलर का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो सेम में हम अभी कुछ ही पहले बताए हैं कि सेम में क्या होगा, सेम में टू 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 भी हो सकता है, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री भी हो सकता है, थ्री थ्री भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है, क्योंकि सेम दिखाना है, तो जब वन 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 हो सकता है तो वह फिर उसको हम स्केलर बोलेंगे। ठीक है ना, क्या होगा वो स्केलर होगा, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ वन ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन ही होना चाहिए। अब अगर वन 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 है
तो वह आइडेंटिटी है, ठीक है ना, तो स्केलर भी है। लेकिन अगर हम स्केलर को कहेंगे कि आइडेंटिटी है, जैसे एक स्केलर मैट्रिक्स लिखे, ध्यान से समझिए 4 0 0 4, यह सिर्फ स्केलर है, यह सिर्फ स्केलर है। लेकिन इसी जगह पर हम एक और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1, ये भी क्या है, स्केलर है कि नहीं है। लेकिन स्केलर के साथ साथ यह यूनिट भी है, माने आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वो स्केलर के कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन ऑल स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। लेकिन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है। क्लियर, बात समझ में आया नहीं? जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह स्केलर हो सकता है, लेकिन सारे ऑल स्केलर मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर, चलिए तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ये चीज को देख लिए कि पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर किए, फिर डायगोनल किए, फिर उसको स्केलर किए, स्केलर के बाद उसको क्या कर दिए, आइडेंटिटी मतलब यूनिट कर दिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट मैट्रिक्स के टाइप को देखते हैं। अब हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आपको हम जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। जीरो मैट्रिक्स को होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वह स्क्वायर होगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, या उसे को नल मैट्रिक्स बोलते हैं इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, 1 × 1 है, कोई जरूरी नहीं है। यहां देखिए 2 × 2 है, ऑल एलिमेंट सिर्फ जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 2 × 3 है ना, फिर भी यह जीरो मैट्रिक्स है। ये देखिए 1 × 2 है, एक ही रो 2 कॉलम है, फिर भी यहां सिर्फ ऑल एलिमेंट जीरो है तो वह जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, जीरो से भी, है ना, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय सिर्फ जीरो, है ना। इट ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेंट। तो जीरो मैट्रिक्स होने के लिए, जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं है, कितना भी रो कितना भी कॉलम हो सकता है। लेकिन सारे एलिमेंट यदि मैट्रिक्स का जीरो हो गया तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। सारे एलिमेंट यदि मैट्रिक्स का जीरो हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्लियर हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। हॉरिजेंटल वर्टिकल मैट्रिक्स भी होता है। हॉरिजेंटल का मतलब है, देखिए जैसे इसमें देखिए हॉरिजेंटल, ये देखने में लग रहा है कि हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल में क्या होगा, कॉलम की संख्या ज्यादा हो जाएगा, रो से अधिक कॉलम हो गया तो हॉरिजेंटल हो गया। जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो जाए, 1 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या ज्यादा हो गया, कॉलम की संख्या कम हो गया, तो रो ज्यादा हो गया इसलिए क्या देखो रहा है, वर्टिकल, ये शेप समझ आ रहा है ना, तो वही वर्टिकल और हॉरिजेंटल, है ना। ये रेक्टेंगल शेप पे है तो हॉरिजेंटल हो गया, ये इस तरह से है तो क्या हो गया, वर्टिकल। तो मान लीजिए कहीं पढ़ रहे हैं आप हॉरिजेंटल वर्टिकल मिल रहा है, तो बोलिएगा कि सर हॉरिजेंटल वर्टिकल बात तो सर पढ़ी हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए मिलता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सिखा रहे हैं आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद हम चलेंगे क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। कंपटीटिव में पूछता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना है, ट्रेस ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रेस, तो करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं हम लोग, सम कर देते हैं। तो देखिए इसका अगर हमको लिखना है कि ट्रेस ऑफ सर ए क्या होगा,
तो इसको जोड़ देंगे 1 + 4 क्या आ जाएगा जी बताइए 5। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकल गया कितना आएगा 5। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकल गया कितना आएगा 5। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकल गया कितना आएगा 5, है ना। उसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाल लेंगे, ठीक है। और बात आ गया डायगोनल का, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। बात डायगोनल का आ गया तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे अब इस मैट्रिक्स का तो हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, डायगोनल यहाँ बने है, बन ही नहीं रहा है ना। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप ध्यान दीजिएगा, आप टी आर ए से लिखते हैं हम क्या ट्रेस। तो किसी मैट्रिक्स का यदि ट्रेस निकालना है तो उसका डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा ट्रेस, क्लियर। चलिए अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एकदम यह एमआई चीज है। यहां से आपका जैक बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव में हर साल, ठीक है। मतलब ये आपके बोर्ड के दृष्टि से एकदम यह जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर विचार करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स है, अब ए आई जे यहां बी आई जे, ये एलिमेंट को शो कर रहा है, इस सेट टू बी इक्वल। यह इक्वल तभी होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है। देखिए दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। अगर इक्वालिटी हो रहा है तो यह कंडीशन होगा फॉर ऑल आई जे के लिए। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब पहले के उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 × 2 यहां भी है, 2 × 2 यहां ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सब सेम होना चाहिए। देखिए यहां 0 है तो यहां 0 होगा, यहां 1 है तो 1 होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन को फॉलो कर रहा है और यह मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, है ना। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दोनों सेम है, ऑर्डर सेम है, ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर सेम है, दो कंडीशन होनी चाहिए, ऑर्डर सेम है तो क्या हम इसको कह देंगे कि इक्वल है, नहीं। ऑर्डर सेम है तो यह इक्वल नहीं हो सकता है, ऑर्डर सेम है तो वह इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते किसको, किसको उठा के एकरा पर रख दिए तो 3 पसट जाएगा, 2 पसट जाएगा, 0 पसट जाएगा, 1 पसट जाएगा। तो जब इसको उठा के यहां रखेंगे तो 3 लड़ जाएगा, सेट कहां रहा है, है ना। मतलब कि ये देखिए ये यहां सेट हो जाएगा, ये यहां सेट हो जाएगा, आइए देखिए ये और ये आपस में सेट नहीं होगा, तो फिर सर यह इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, यह जो है नॉट इक्वल मैट्रिक्स, है ना। सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर हमको लिखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सिंबॉलिकली हम ए बराबर बी लिख देंगे। दो मैट्रिक्स है वह यदि हम ए बराबर बी लिख रहे हैं तो ए बराबर बी लिखने का मतलब कि हम तभी लिखेंगे जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, या इक्वल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी लिखेंगे जब वह दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह इक्वल मैट्रिक्स, और ये इक्वल मैट्रिक्स आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड आपको बताया कि यह बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, यहां देखिए इसका ऑर्डर पहले चेक कीजिए, है ना। तो क्या है सर, 2 3 × 2, 3 रो है 2 कॉलम है, यहां भी 3 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, तो यह x किसके बराबर हो जाएगा, x इसके बराबर हो जाएगा, y 0 के बराबर जो कि यहां मेंशन है, z 2 के बराबर, a √6 के बराबर, है ना, b 3 के बराबर, ये इसके बराबर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस सामना सामने देख लेना है। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में ऐसा सिंबल है तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऐसा सिंबल हो गया इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, टेंशन फ्री रही। जब ऐसा सिंबल हो गया तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, और जब इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। एक मतलब कि x + 3 0 के बराबर होगा, x + 3 0 के बराबर होगा।
जेड प्लस फोर छ के बराबर होगा, जेड प्लस छ छ के बराबर होगा, और टू वाई माइनस सेवन थ्री वाई माइनस टू के बराबर होगा। इस तरह से माइनस सिक्स, सिक्स तो ऑलरेडी इक्वल है भाई, ये इसके बराबर होगा, ए माइनस वन माइनस तीन के बराबर होगा, जीरो के इक्विवेलेंट क्या होगा, टू सी प्लस टू जो कि यहाँ है, ये इसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू टू बी प्लस फोर, और ये खुद ही इक्वल है तो करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप यहां से ऐसा कर लेंगे तो इसमें जो निकलने वाला चीज, जैसे x का मान कितना हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा, a के मान कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो a के मान माइनस टू हो जाएगा, उस तरह से z का मान निकल जाएगा, यहां से c के मान निकल जाएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, यहां से b का मान निकल जाएगा, फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यही था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो उसका ऑर्डर पेयर और क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर पेयर के साथ साथ क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जब क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा सेम है तो वही इक्वल, और यहां से जैक बोर्ड में सवाल आता है, यह बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है इसे हमको ए बी सी डी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि यह इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो यह जो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी के बराबर 4 कर लिख देंगे, इसके बाद a माइनस टू बी के बराबर माइनस 3 लिख देंगे, फिर इसके बाद 5c माइनस डी के इक्विवेलेंट 11 लिख लेंगे, इसके बाद 4c प्लस 3d के इक्विवेलेंट 24 लिख लेंगे। हमारे पास चार इक्वेशन आ गया, यह फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब यहां से हमारा क्या होगा, ए निकलेगा, यहां से हमारा क्या होगा, ए निकलेगा, तब हम ए हम लोग यहां से निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा ए क्या हो रहा है। तो सिंपल चीज है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और यहां से है a माइनस टू बी इज इक्वल टू 6, इन दोनों इक्वेशन से हम a निकालेंगे, और इन दोनों इक्वेशन से हम c और डी निकालेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इस यही दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो ये चीज को हम यहां लिखते हैं, ये चीज को हम यहां लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन से a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 3, सॉल्व करो। अब हमको मान लिया जाए कि हमको b को कैंसिल कराना है, तो इसमें हम b से गुना करा देंगे, कितना से गुना कराएंगे जी, b में 2 से, क्या आएगा, ध्यान दीजिए इधर, दूसरे सब में गुना होगा, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया जोड़ देंगे तो 5a इज इक्वल टू, यहां से घट गया तो क्या गया 5, मतलब a इज इक्वल टू हमारा हो गया 5, 5 कट गया तो 1, a का मान निकल गया। जब a का मान आ गया तो a का मान b में पुट कर दीजिए, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पर कितना आया है 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4, ध्यान दीजिए यहां से b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 2, तो a और b का मान निकल गया, a और b का मान निकल गया, a के मान 1, b के मान 2। अब यहां से c और d का निकालेंगे, है ना, चलिए तो इस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 4। अब हम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15c माइनस 3c इज इक्वल टू 33,
फोर सी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 24, कैंसिल आउट हो गया, ये ऐड करेंगे तो 19c होगा इज इक्वल टू, और इसको ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा, तो 19 57, सी का मान आ गया आपको 3, सी का मान 3। तो उसी तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो सी के जगह पर हम 3 रखेंगे, 5 × 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो 15 − d इज इक्वल टू 11, ये उधर जाएगा, ठीक है, या इसी को इधर ला लेते हैं, तो 15 − 11 इज इक्वल टू d, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 4। तो आई होप हमारे पास हेंस क्या गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू 3, और d इज इक्वल टू 4, यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, और d इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इक्वल मैट्रिक्स का, तो हम इसका वैल्यू क्या कर लिए, निकाल लिए। कुछ आंसर भी इसी के रूप में होगा, हम लोग देख लेते हैं, बाकी अब क्लियर आपको दिखाई दे दिया है, समझ में आ गया है, तो यहाँ आंसर भी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू 3, और d इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को आज एक एक्सरसाइज जो 3.1 है, 3.1 है, तो 3.1 के कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा पढ़ लिए। अगले क्लास जो लेक्चर थर्ड होगा उसमें हम 3.1 के क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए कि एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन करते चलेंगे, है ना, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा जिसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, और अपने आप में इससे देखकर मैथ को प्रोग्रेस में लाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।